नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो प्लाई के टुकड़े लिए हैं, एक ये मोटा है और एक जो सेकंड वाला है वो थोड़ा पतला है। तो फ्रेंड्स, हमें इसे कट करके इसी से एक बॉक्स बनाएंगे। तो इसे मैं कट कर लेता हूँ यहाँ पे मेजर करके अच्छी तरीके से। तो ये मैं इसको नाप लूँगा, यानी जो इसका नाप है मैं इनमें से 1/3 के यानी 1 फुट चौड़ाई और 3 फुट लंबाई के टोटल 4 पीस कट करूंगा, ओके, जिससे हम अपना एक बॉक्स बना सकें। तो यहाँ पे मैं गुनिये की मदद से इसको अच्छी तरीके से 90 डिग्री पे मोड़ के काट दूंगा, यानी मेजर करके। और फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे हो या आप पे लकड़ी का काम नहीं आता तो बिल्कुल भी ना करें। हालांकि मेरे पे भी ज़्यादा नहीं आता, मेरे पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज़्यादा आता है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, ये एक एंगल ग्राइंडर है, क्योंकि आरी से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं इसे काट रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरफुल है, आपको इसे चोट लग सकती है, तो आप बिल्कुल भी इसका यूज़ ना करें। मैंने इसमें जो है बोड़ो कटर का जो ब्लेड होता है वो फिट कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसके टुकड़े कर दिए। अब ये जो थोड़ा मोटा वाला बोर्ड है, मैं इसको भी फाड़ के इसमें से बीच में से 2 कर दूंगा, यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है फिलहाल 2/3 है, तो फिर ये 1/3 के टोटल 4 पीस हो जाएंगे यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, हम मैंने इसमें से एक एक पीस को लेके और इस पर जो पॉलिश होती है अपनी वार्निश, इसको लगा दूंगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने जो ये वार्निश है ये पहले ही लगा दी, यानी बनाने से पहले ही लगा दी, जिससे मेरे पूरे हाथ या और कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और इस पर भी थोड़ी धूल मिट्टी जम गई। तो आपको ये जो बाद में लगाना है बनने के बाद, तो आप इस गलती को ना करें जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये इसलिए लगाई थी पहले क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा था और फिर इसको सूखने में टाइम लगता, तो मेरे पास टाइम नहीं है, एक रात का ही मेरे पास टाइम होता है वीडियो बनाने के लिए, मैं पूरी रात जगह से बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वार्निश लगा के इसको पंखे की हवा से इसको जल्दी से सुखा रहा हूँ, क्योंकि नाइट का टाइम है, मैं वीडियो जब शूट करता हूँ नाइट में ही शूट करता हूँ, तो धूप नहीं है। अब मैंने फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा एक पीस बचा हुआ था उसमें से मैं 1/1 फुट लंबाई और 11 इंची चौड़ाई के 4 पीस और कट कर लूँगा, और इनका भी मैं यूज़ बताऊँगा। तो मैं इसे भी आरी से जल्दी से कट कर लेता हूँ, और ये 12 इंची लंबे और 11 इंची चौड़े 4 पीस हैं। और एक ही मेरे पे कम पड़ रहा था तो मैंने दूसरी प्लाई ले ली पतली वाली, और इससे मैं जुगाड़ कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी लकड़ी कम पड़ गई और अब मिल नहीं सकती इस टाइम, तो मैं इस पर भी वार्निश कर लूँगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वार्निश बाद में करें, वरना आपके हाथ वगैरह सब गंदे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेरे गंदे हो गए थे, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो वार्निश का असर इन दोनों में कि बिना वार्निश वाला कैसा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली देखिए, हम इस किट का यूज़ करेंगे एम्पलीफायर बनाने के लिए, और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैंने एक वेबसाइट से ख़रीदी है, वो वेबसाइट बहुत ही चीप रेट में हमको बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कराती है, और इसकी लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं उसका दे दूंगा, और अमेजन फ्लिपकार्ट का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो मैं इसमें से जो स्पीकर निकाल लेता हूं, इसमें 2 स्पीकर मिलते हैं किट के अंदर और 1 सबवूफर। तो फ्रेंड्स, जो सबवूफर है उसको थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा रखना है और स्पीकर की थोड़ी कम रखनी है, तो मैं उसे भी आपको आगे समझा दूंगा। तो यहाँ पे इसको मैं एक बॉक्स टाइप में बना दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसमें कट करना होगा। तो मैं देखिए, एक 10 इंची तो दोनों स्पीकर के लिए, और जो है 16 इंची यानी लगभग 1.5 फुट से थोड़ा कम इस सब बफर के लिए रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बंद जगह होगी ना फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा बेस निकलता है इससे। तो ये आप देखिए कि ज़्यादा जगह मैंने सब बफर के लिए ही रखी है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और जो 10 इंची है वो मैंने स्पीकर के लिए रखी है, और लगभग 16 इंची मैंने अपने सबवूफर के लिए, और इसी के अंदर फिर हम ट्रांसफार्मर वगैरह फिट करेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा दे दी। अब फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसमें एक गुणा का निशान लगा के, यानी जो अपनी मेजर की मैंने लाइन लगाई है उससे चारों कोनों पे इस तरीके से रख के मैंने एक निशान बना के और सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर में मैं होल सा होती है ये जो, ओके फ्रेंड्स, ये होल सा होती है, मैं इससे एक इसमें होल कर लूँगा यहाँ पर। और आप बिल्कुल भी इसे घर पे ट्राई ना करें, आप बच्चे हैं तो आपको चोट लग सकती है, आप किसी कारपेंटर की शॉप पे जाके इसको करा सकते हैं, वो आपको 10 रुपये में या 15 रुपये में गुलाई काट के दे देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे शॉप भी अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेंड्स मेरे पास टूल्स की भी कमी है। तो ये देखिए, थोड़ा बड़ा काटना है यहाँ पे जो ये वाला सब बफर के लिए, तो मेरे पास बड़ा वाला होल सा नहीं है, तो मैं जैसे चौक सी होती है जो चौड़ सी,
उससे काटते हैं। इस तरीके से मैं पेचकस को थोड़ा पहना के और इसे ऐसे करके काट लूँगा। तो यहाँ पे इसकी गुलाई काट दी, ये थोड़ी कम अच्छी कटी है, सफाई नहीं आई, लेकिन हम इसको जो रेगमाल होता है उसके घिसके, ये वाला रेगमाल, इसको फिनिशिंग दे देंगे अच्छी तरीके से। आपको उसको घिस लेना है अपनी प्लाई को रेगमाल से। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये एम्पलीफायर मॉड्यूल की किट है, तो हम एम्पलीफायर मॉड्यूल की किट को भी फिट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसकी मार्किंग ले लेता हूँ 2x8 सेंटीमीटर के लगभग है ये। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मेजर करके तभी काटना है, और बिल्कुल भी आपको ध्यान से कट करना है, क्योंकि ये ज़्यादा कट करेगी तो फिर आपको लगाने में दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे 3 होल और बना दूंगा, जो कि अपने वॉल्यूम और बेस ट्रबल के हो जाएंगे और ऊपर किट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बड़ा सा और कट लगाऊंगा, जिसके अंदर हम अपना वीयू मीटर फिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उसे भी दिखा दूं। तो मैं वीयू मीटर को कट करने के लिए, मेरे पास होल सा नहीं है, तो मैं इस तरीके से कट कर लूँगा इनको, जो है जिगसॉ भी नहीं है तो मैं इससे कट कर लूँगा। और जब भी आप इसे काटो तो आगे की तरफ से ही चोट मारो इस पर, और पहले इस तरीके से इसमें जो मार्किंग कर लो, यानी पेचकस से काटने के बाद फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से मार्किंग करके आगे से चोट मारो, जिससे कि इसकी आगे की जो प्लाई है फिनिशिंग वो नहीं फटेगी, तो ये इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये निकाल दिया मैंने हथौड़ी से, आपको करके दिखाया। और ये जो बड़ा वाला मैंने होल बनाया है ऊपर वाला जो लंबा सा, वो अपने वीयू मीटर के लिए, और ये वाला और ऊपर वाला ये सबसे सब बफर के लिए, और 3 जो छेद किए हैं वो अपने टॉन के लिए लगाए। तो फ्रेंड्स इन सभी को मैं घिस के अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दूंगा। फ्रेंड्स आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वारी हो तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ भी पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो मैंने ये बड़ा वाला लगाया है, होल बनाया था, उस पे मैं पीछे की साइड टेप लगा लेता हूँ, और अब इसमें मैं ग्लू भर दूंगा। आप इसमें लगा भी सकते हो इसे और ना भी लगा सकते हो, ये ओनली फॉर डेकोरेशन है। ओके फ्रेंड, अब अपने सबवूफर और स्पीकर को इसमें फिट करेंगे। तो मैं इसकी मार्किंग ले लेता हूँ, और मार्किंग आपको देखिए इस तरीके से नहीं लेनी, पहले इसको आगे की साइड से देखना है ध्यान से, बिल्कुल गोलाई में फिट बैठे आपको वहीं मार्किंग लेनी नहीं। और फ्रेंड्स ये थोड़ा काला कर दिया है मैंने, मैं इस पर पेंट करने की कोशिश कर रहा था और इससे ये थोड़ा गंदा हो गया, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं कि आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम मिल रही है, तो इसकी 2 रीज़न है। एक तो मैं खुद ही वीडियो शूट करता हूँ, मेरे पास कोई कैमरे पकड़ने के लिए नहीं है और कुछ खास कैमरा भी नहीं है मेरा, तो इस वजह से आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फ़िलहाल अकेला ही काम करता हूँ फ्रेंड्स पूरा, तो इस वजह से कोई कैमरे को पकड़ना या उसको फोकस कराने के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं होता, खुद ही सेट करना होता है, तो सब काम इस वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है वीडियो बनाने में, तो उसके लिए फ्रेंड्स सॉरी। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको पूरी इम्प्रूव कर दूँ वीडियो क्वालिटी, उसके लिए अपना सेटअप तैयार करा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग करने के बाद इसमें ड्रिल से छेद कर लूँगा, आप किसी से भी कर सकते हो इसमें छेद, वैसे ड्रिल से ही होंगे और किसी से छेद हो नहीं सकते फ्रेंड्स इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं छेद कर लूँगा 4, आप 2 भी कर सकते हो 4 भी कर सकते हो, इसमें 4 का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे 4 कर लूँगा, लेकिन इसमें स्क्रू 2 ही डालूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब स्पीकर को फिट कर लेता हूँ, और मैं वीडियो को थोड़ा कट कट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे ये स्क्रू कसना है, तो ये सिंपल चीज़ है स्क्रू कसना, तो मैंने यहाँ से वीडियो को थोड़ा कट कर दिया है। आप देख सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे मैंने कस दिए, क्योंकि इसको सभी कस सकते हैं बहुत ही ईजीली। अब फ्रेंड्स इस टोन वगैरह को फिट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टोन है ये इसमें की मोटाई के कारण आगे तक नहीं पहुँच पा रही, जो इसकी थ्रेड है चूड़ी, तो यहाँ पे मैं इसे कस नहीं सकता, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ करूँगा। ग्लू भी इस पर बहुत अच्छा वर्क करती है, आप ग्लू लगा लेना। अगर आपकी प्लाई की मोटाई कम है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो इसमें जो है स्क्रू कस ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कस लेता हूँ, यानी सभी को पहले रिमूव करके इसके अंदर से, और फिर इसमें मैं ग्लू से इसे चिपका दूंगा तीनों टोन को। आपको फ्रेंड्स तीनों टोन को ध्यान रखना है, इसमें एक वॉल्यूम का है और एक बेस का, एक ट्रबल का है, मैं उसे भी आपको पूरा समझा दूंगा, लेकिन पहले इसे मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ अपनी ग्लू गन से। ओके फ्रेंड्स, ईजीली ये फिट हो जाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो अब फ्रेंड्स मेरे हाथ देख लीजिए, ये कितने गंदे हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये कहावत है इंग्लिश में, डर्टी हैंड इज़ द साइन ऑफ हाइट मनी,
ओके फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि काले हाथ ही जो है शुद्ध पैसे के निशान है। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक वीयू मीटर फिट कर लूँगा। ये वीयू मीटर मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं अपने एम्पलीफायर मॉड्यूल की जो ये यूएसबी मॉड्यूल है इसे भी एलपी की मदद से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रू कसने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। और ये एक लाइट है जो कि 220 वोल्ट से डायरेक्ट जलती है, तो मैं यहाँ पर इसे इंडिकेशन के लिए यूज़ में ले लूँगा। आप चाहो तो इसे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छा दिखे इसीलिए ये मैंने लगा दी। अब जो ये वीयू मीटर है अपनी, यानी म्यूजिक लाइट जो मैंने फिट की है अभी आपने देखा वीडियो में, इसको मैं सब बफर के साथ, आपको ध्यान से समझना है, यहाँ से कनेक्शन शुरू होंगे काटा पीटी बंद होके, जो सब बफर के वायर हैं उसके साथ जोड़ देना है पैरेलल में। ओके फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो गए। अब फ्रेंड्स, ये किट है और ये बहुत ही कमाल की किट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हो किट के अंदर ही। तो ये 20-30 तीन आईसी की किट है और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो और इसमें हमको कनेक्शन के लिए भी ज़्यादा झंझेला नहीं है, बहुत ही ईजीली इसके कनेक्शन हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू हो तो आप बिल्कुल इसे ही ख़रीदना, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे फैब वोल्टेज, स्पीकर, बेस, ट्रबल, इधर सब बफर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, 12-0 वगैरह ट्रांसफार्मर के, तो आपको हर चीज़ लिखी मिल जाएगी। तो इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी हैं, तो इसके कनेक्शन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बॉक्स को और आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, जो इसका बेस है उसे चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल लगा रहा हूँ, जो है फेविकॉल होता है ये, जिसे हम दूध में डाल के पीते हैं रात को ताकत के लिए, जिससे ताकत आ जाए, वो वाला फेविकॉल मैं इसमें यूज़ करके और इसको चिपका के आगे की साइड से इसमें होल्ड करके, फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, होल्ड करके और काले वाले पेच आते हैं, ये आपको 10 रुपये में 20 पेच मिल जाएंगे, ये 10 रुपये के 20 आते हैं। और आपको मेरे गंदे हाथों पे ध्यान नहीं देना, काम पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, मेरे को पता है कि वीडियो की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है इस वजह से, और यहाँ पे साफ़ सफाई भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ, काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसमें पेच कस रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका जो टारगेट होता है ना, आपको आइडिया देना होता है, ये नहीं कि मैं आपको बिल्कुल ही ऐसा बना के दिखा दूँ कि आपकी कुछ समझ में ना आए और आपको टाइम वेस्ट हो जाए। तो आपको केवल कंटेंट पे ध्यान रखना है कि आइडिया क्या क्या है, ये ध्यान नहीं रखना कि इसके हाथ गंदे हो रहे हैं या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कि ये ट्रांसफार्मर है और इसमें टोटल 5 तार होते हैं, जिधर 2 तार लगे होते हैं वो अपने एसी के होते हैं 220 वोल्टेज। ओके तो हम इस पर इनपुट कराएंगे और इसको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये 3 वायर दिख रहे होंगे आपको 12-0-12 के, तो जो बीच वाला होता है आपको जो इसके साथ ही कनेक्टर मिलेगा किट के साथ, और आपको बीच वाले को बीच वाले में लगा देना है, जो कनेक्टर है ना आपका 12-0-12 का, उसको बीच वाले में, बीच वाले को, और साइड वालों को आप कैसे भी बदल सकते हो, किधर साइड का भी किसी में भी लगा दो, ये इसके सिंपल कनेक्शन है। इसको करने के बाद यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर लूँगा, क्योंकि ये लोड के कारण यहाँ पे खुल ना जाए या झटका वटका के कारण, और इस पे आपको पीवीसी टेप ज़रूर लगानी है। और इसका ये कनेक्टर हो गया जहाँ पे आपको 12-0-12 लिखा दिख जाएगा। अब जो सब बफर के वायर हैं ये वाले, ये आपको यहाँ पे लगाने हैं, सब बफर इसमें दिख जाएगा, बहुत ही इजी कनेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। बेस के आपको बेस में लगा देने, यानी बेस को आप कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन पहले इसमें वॉल्यूम के बता दूँ कि आप देखिए वॉल्यूम में अभी आपको कनेक्टर लगा मिल जाएगा, वो कनेक्टर आपको सीधा यूएसबी मॉड्यूल में लगा देना है। यूएसबी मॉड्यूल से देखिए ये 2 तार आ रहे हैं, रेड और ब्लैक, आपके भी ये जो 4 तार हैं इनमें 2 रेड या कोई भी कलर के हो सकते हैं, तो इनको छोड़ देना है। इसमें एक ग्राउंड होता है और एक एंटीना का होता है, तो इसको छोड़ देना है। बाकी के वायर वॉल्यूम पे जाएंगे और वॉल्यूम से एक कनेक्टर आएगा आपके देखोगे जब, और ये आपको लगा देना है जहाँ पे ऑडियो इन लिखा हुआ है, यानी तीसरे, यानी आप 78.5 की साइड से देखोगे तो तीसरा वाला जो कनेक्टर है ये वाला आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे लगा देना है। बहुत ही ईजी कनेक्शन है फ्रेंड्स, आपको बस इसे ध्यान से समझना है। अब मैं इसमें बेस और ट्रैवल के लगा दूंगा, यानी बेस ट्रैवल के दोनों 100-100 के, तो आप किसी को भी किसी में लगा दो, वो आपका काम करेंगे अच्छा। अब फ्रेंड्स, ये देखिए 5 वोल्टेज के वायर, ये भी कनेक्टर आपको मिलेगा और ये आपको 5 वोल्टेज लिखा मिल जाएगा, वहाँ पे फिट कर देना है, ये अपना पावर देगा मॉड्यूल को। अब फ्रेंड्स, इसमें एक वायर और रह गए जो कि स्पीकर आउटपुट के हैं, तो इसमें देखिए आपको 2 स्पीकर चलाने का जो है सिस्टम मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसे भी आपको समझ आऊँगा कि आपको स्पीकर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं।
आपको बस वीडियो को ध्यान से समझना है बिना स्किप किए। फ्रेंड्स ये तारों का झमेला ज़्यादा ना देखिए, मैं इसको टाई की मदद से बांध दूंगा यहाँ पे। अब देखो अब इसमें से तीन वायर निकल रहे हैं जो अपना स्पीकर का कनेक्टर है, और मैंने दोनों स्पीकर में लंबे लंबे वायर लगा लिए। अब दोनों स्पीकर का एक वायर लेना है आपको, कोई सा भी एक नेगेटिव ले लेना और उसको एक पास जोड़ के, और जो स्पीकर सॉकेट से बीच वाला वायर है, ओके फ्रेंड्स, बीच वाला वायर आपको ध्यान से समझना है, वो दोनों में जोड़ देना है, और साइड साइड वाले दोनों स्पीकर के एक एक वायर में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जोड़ देना है। मैंने फ्रेंड्स इसको जो है बीच में सबवूफर दिया है और साइड में जो अपने स्पीकर दिए हैं, जिससे कि हम इसमें 3D साउंड होती है, जो 3D साउंड उसको सुन सकें। 3D साउंड का मज़ा तभी आता है जब दोनों स्पीकर अलग अलग आवाज़ में हो। 3D का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक साइड का स्पीकर बंद रहेगा और एक साइड का चलेगा, तो इस तरीके से। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब मैं जो कनेक्शन कर रहा हूं ये 220 वोल्टेज AC के कर रहा हूं, और ये आपको ट्रांसफार्मर में एक लंबा सा वायर लेके डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है, कुछ नहीं करना, और अपनी लाइट के जो ट्रांसफार्मर में पैरेलल जोड़ देना है, और मैं इस पर टेप लगा दूंगा PVC। आपको यहाँ पर टेप ज़रूर लगा देना है क्योंकि इसमें 220 वोल्टेज फुली AC रहेगा। अब फ्रेंड्स मैं इसमें पीछे की साइड दो होल बना देता हूँ, क्योंकि पीछे की साइड होल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो या कुछ भी हो। तो एक मैंने छोटा और एक बड़ा बनाया है। अब छोटा बड़ा होल का मतलब कुछ गलत मत समझना, ओके फ्रेंड्स। तो जो छोटा वाला होल है उसे मैं अपनी वायर को निकाल लूँगा, और जो बड़ा वाला होल है इससे जो अपनी बेस की गुमक है ना, धां धां करता है, वो बाहर निकलेगी, और मैं इसमें भी होल करके यहाँ पे फिट कर देता हूँ काले वाले पेच से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से इसे कस दूँगा, ओके फ्रेंड्स। तो मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ही करके दिखा रहा हूँ, इसको पूरा कस के दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ कुछ साफ दिख नहीं रहा आपको, क्लियरिटी भी नहीं मिल पा रही, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो ये देखिए लगभग बनके कंप्लीट है, 70% से ज़्यादा इसमें वर्क हो चुका। अब मैं इसमें फ्रेंड्स बीच में दो डिवाइडर ज़रूर लगा देनी है, जिससे इनमें साउंड मिक्स ना हो। 3D का मज़ा फ्रेंड्स जब ही आता है जब इसके अंदर डिवाइडर लग जाते हैं, तो मैं इसमें डिवाइडर लगा देता हूँ। आपको ये ज़रूर लगा देना है, दो पट्टी देखिए बीच में इस तरीके से, दोनों स्पीकर की आवाज़ एक दूसरे में न मिले, तो बहुत मज़ा आएगा आपको और बेस भी अच्छा मिलेगा। तो मैंने इसको जो पतला है ये काफ़ी, तो इसको नेल होते हैं जो चूहे, तो उसको मैंने लगा के यहाँ पर फिट कर दिया। अब इसकी जो दीवार है साइड की उसको भी मैं यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ, और इन्हें भी मैं फिट कर दूंगा। अब इसकी रूफ़ है जो, यानी ऊपर वाली प्लाई, इसे भी फिट कर दूंगा, और यहाँ भी स्क्रू कस दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फेविकॉल नहीं लगाना ऊपर वाली साइड, क्योंकि हमें अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो खोलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं इसमें पेच ही कस रहा हूँ, फेविकॉल नहीं लगा रहा। अब फ्रेंड्स ये बन के कम्प्लीट है, ये देखिए काफ़ी गंदा हो चुका है और काफ़ी इस पर घिस्से भी लग चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इस पर एक बार और फाइनल जो है कर दूंगा, और यहाँ पे देखिए कुछ साफ़ सफाई नहीं आ पाई क्योंकि जल्दी के कारण, लेकिन ये बहुत कमाल का बना है, ऐसा लग रहा है बाज़ार से ही आया है, और इसकी प्रोब्स वगैरह लगा लूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये इस तरीके से धरा जाएगा, ज़मीन पर खड़ा नहीं किया जाएगा, लिटा के ही रखा जाएगा। इसका कारण ये है कि जो मेरे सेटअप में अलमारी हैं वो कुछ इस तरीके की हैं लंबी, ओके, ऊँचाई कम है लंबाई ज़्यादा है, तो मैं इसी अलमारी में इसको रखूँगा, तो मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे डिज़ाइन कर सकते हो, यानी आपको टावर टाइप में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और बार फाइनल फिनिशिंग के लिए इस पर वार्निश कर दी, आप मेरे हाथ को देख सकते हो कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, और ये वार्निश छूटी भी नहीं मेरे हाथ से। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसको 220 वोल्टेज से AC से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे देखिए अब VU मीटर भी जल रहा है। तो अब फ्रेंड्स इसकी साउंड की टेस्टिंग करते हैं, आप देखना वीडियो को लास्ट तक, ओके फ्रेंड्स। तो मैं इसमें अपने मोबाइल से ब्लूटूथ म्यूजिक प्ले करूंगा, और इसकी VU मीटर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी डांसिंग LED की तरह। तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स इजीली। तो मैं यहाँ पे एक NCS प्ले करूंगा, तो पहले भगवान का नाम हो जाए,
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी के लिए नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।